सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सत श्री अकाल। बैंकिंग गुरु जी चैनल के एक और फ्रेश और इंफॉर्मेटिव एपिसोड में मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूं। आधार कार्ड जो आजकल हर हिंदुस्तानी की पहचान बन चुका है और जिसे आपने और मैंने कई सारे सर्विसेज के साथ लिंक किया है, वो अब जल्द ही आने वाला है एक वर्चुअल आईडी के साथ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के जरिए हर आदमी की पहचान बताने वाला ये आधार कार्ड अपने वर्चुअल आईडी के साथ कितना बेनिफिशियरी साबित होता है। अगर आपको किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना हो, अपना पैन कार्ड निकलवाना हो, यहां तक कि आपको एक मोबाइल का सिम कार्ड भी खरीदना हो, इन सभी जगहों पर आपको एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी लगेगा जिसको हम कहते हैं आधार कार्ड। आपको तो पता ही होगा कि पिछले साल हम सभी ने अपने बैंक अकाउंट्स के साथ, अपने पैन नंबर के साथ और यहां तक कि हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ अपना 16 डिजिट आधार नंबर जो है वो लिंक करवाया है, जिससे आप कोई भी सर्विस अगर इस्तेमाल करते हैं या फिर आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वो सभी डिटेल्स जो है वो इस आधार नंबर के अंडर आ जाते हैं। आधार कार्ड से पहले पैन कार्ड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल जान सकते थे, मगर फेक आइडेंटिटी और फेक डेट ऑफ बर्थ की वजह से देश भर में एक व्यक्ति के एक से ज्यादा पैन कार्ड बनने लगे और इसीलिए UIDAI लेकर आया एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके फिंगरप्रिंट और आयरिस स्कैनर की मदद से आपको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, जिसे हम सभी जानते हैं और जिसे हम सभी कहते हैं आधार कार्ड। पिछले साल जब हमने सभी जगहों पर आधार कार्ड लिंक करवाया, जैसे कि जियो फोन के लिए जिन्होंने ऑनलाइन परचेस ऑर्डर किया था उनका आधार का डेटा जो है वो लीक हो गया था, या फिर आप किसी भी जगह पर अपना आधार कार्ड नंबर सबमिट करते हैं तो वो सेफ नहीं है, क्योंकि क्या पता आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपका पर्सनल डेटा, ये सभी चीजें लीक हो सकती है या फिर उनका डुप्लीकेशन हो सकता है। तो अब इन सभी पॉसिबिलिटीज को रोकने के लिए UIDAI जल्दी लेकर आ रहा है हमारे सभी आधार नंबर्स के लिए एक वर्चुअल आईडी, यानी हमारे आधार कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए ये वर्चुअल आईडी हमारी मदद करेगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल में वर्चुअल आईडी काम कैसे करेगा, तो मैं इस वर्चुअल आईडी की जो बातें हैं वो पॉइंट वाइज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके चलते आपके मन में भी जो भी डाउट्स चल रहे हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। मान लो आगे चलकर आप अगर बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं या फिर आप मान लो कि एक सिम कार्ड परचेस करने जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको सामने वाला आधार के डिटेल्स मांगेगा, तो उस वक्त आपको अपना आधार नंबर या फिर आपके आधार डिटेल्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको आपके आधार नंबर पे क्रिएट किया हुआ वर्चुअल आईडी जो है वो उसको सिर्फ दे देना है, जिसके जरिए UIDAI में स्टोर किया हुआ जो डेटा है आपका, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ये सभी चीजें वो सामने वाले को मिल जाएंगी। ये 16 डिजिट वर्चुअल आईडी जो है वो टेम्पररी होगा, यानी जिस तरह से OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जो है काम करता है, ठीक उसी तरह ये वर्चुअल आईडी भी काम करेगा। जैसे OTP कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक उसी तरह ये वर्चुअल आईडी भी कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाएगा। एक वक्त पर एक आधार के लिए आप सिर्फ एक ही वर्चुअल आईडी बना सकते हैं और हर नए वेरिफिकेशन के लिए आपको एक नया वर्चुअल आईडी क्रिएट करना होगा। इस वर्चुअल आईडी के वैसे कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह पर जहां पर आपको वेरिफिकेशन की जरूरत होगी वहां पर आपको बिल्कुल भी आपका आधार नंबर या फिर आपके आधार डिटेल सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। ये वर्चुअल आईडी इतना सिक्योर है कि 16 डिजिट वर्चुअल आईडी से कोई भी आपका आधार नंबर जो है वो ट्रेस नहीं कर पाएगा, यानी सामने वाले को जो चीज जरूरी है जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका डेट ऑफ बर्थ, उतनी ही चीजें वो UIDAI से ले पाएगा। कोई भी संस्था या फिर कोई भी कंपनी इस वर्चुअल आईडी की डुप्लीकेशन नहीं कर सकती, जिसकी बदौलत फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं। यानी अब तक जो हमें लग रहा था कि हमारा आधार नंबर अगर हमने शेयर कर दिया तो बिल्कुल सिक्योर नहीं, हमारा पर्सनल डेटा जो है वो लीक हो सकता है, तो इन सभी बातों को बेबुनियाद बताते हुए UIDAI लेकर आया है एक वर्चुअल आईडी नाम का नुस्खा, जिससे आपका डेटा बिल्कुल भी सिक्योर रहेगा और उसके लीक होने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। तो मुझे लगता है वर्चुअल आईडी के बारे में तो सभी बातें आपको समझ में आई होंगी, मगर ये प्रोसेस कब से शुरू होगा, हमें अपना वर्चुअल आईडी कैसे मिलेगा, ये सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में भी शुरू हो गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, 1 जून 2018 से इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के बारे में UIDAI सोच रहा है। इस वर्चुअल आईडी को क्रिएट करने के लिए हमें शायद UIDAI की वेबसाइट, आधार एनरोलमेंट सेंटर, SMS या फिर एम आधार मोबाइल ऐप जैसे चीजों का इस्तेमाल करना होगा। आप हर बार एक नया वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और यहां तक कि आप अपना वर्चुअल आईडी अगर भूल भी गए
तो नया वर्चुअल आईडी क्रिएट करके अपने पुराने वर्चुअल आईडी को उससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि टोल फ्री नंबर या फिर फ्री एसएमएस के जरिए हम अपने आधार रजिस्टर मोबाइल के ऊपर अपना वर्चुअल आईडी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि हर बार हर व्यक्ति को आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना या फिर सभी के पास कंप्यूटर होना, ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आधार कार्ड और वर्चुअल आईडी के बारे में जो भी बातें आप सभी से शेयर की है वो आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या फिर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।